हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे आईपीओ 1 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हाउ डज द होम कंट्री एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे क्वेश्चन विद आंसर आप पा सकते हैं अगर आप हमसे नोट्स परचेस करते हैं तो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। प्लस अभी एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी चल रहा है, तो आप ये चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हमको हमारे नंबर पे जो है मैसेज या फिर कॉल करना है, जो कि है 8101065300। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप या फिर डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस नोट्स। ठीक है, तो आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7 तक के सारे नोट्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अवेलेबल है। ठीक है ना, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। टॉपिक पे हमारा चलते हैं, जो कि है हमारा कि किस तरीके से होम कंट्री का एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन कंट्री के बिजनेस ऑपरेशंस को। ठीक है, किसी और कंट्री का जो बिजनेस है वो जो हमारे इंडिया में आकर के काम करेगा, तो किस तरीके से हमारे इंडिया का जो गवर्नमेंट जो एनवायरनमेंट है वो उसके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है तो। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा। राइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो एनवायरनमेंट प्लेज एन वाइटल रोल इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एनवायरनमेंट अज्यूम्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस एज नो टू कंट्रीज हैव सिमिलर एनवायरनमेंट एंड डिमांड डिफरेंट business studies to cope with different business conditions. As the environment affects firm's strategic as well as tactical decisions, it becomes imperative for the firm to have an in-depth knowledge of the domestic, foreign and global environment. यहाँ पे जो बात बोली गई पूरे पूरे एक दो सेंटेंस में, वो ये बात बोली गई कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के कंडक्ट में। ठीक है ना, स्पेशली जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, जहाँ पे आपको एक कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाकर बिजनेस करना होता है, तो जो भी वहाँ की बिजनेस की डिमांड एंड सप्लाई है, जो भी वहाँ की जो भी वहाँ का कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, उन सब के अकॉर्डिंग जो है फिर आपको अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे बोला गया, बिजनेस स्टडी टू कोप विद डिफरेंट बिजनेस कंडीशंस, है ना। और जिस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो आपके अफेक्ट करता है आपके स्ट्रेटेजिक तरीके को, टैक्टिकल जो डिसीजंस है उसको, तो आपको जो है एक तरीके से इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस डोमेस्टिक या फिर फॉरेन एनवायरनमेंट की, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या फिर जहाँ भी आप एक्सपेंड करने की सोच रहे हो अपने बिजनेस को, उस जगह के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से एक्सपेंड कर सको और सही दिशा में उसको लेकर के जा सको। ठीक है, पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में बोला गया है, when a firm decides to enter into international business, it faces two major decision problems. One, in which the market to select, and the second, how to enter that market. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई कि जब भी कोई इंटरनेशनल बिजनेस किसी और मार्केट में घुसना चाहती है, जब भी कोई बिजनेस, सपोज इंडिया का कोई बिजनेस है उसको अमेरिका में जाके बिजनेस करना है, तो जब भी वो बिजनेस करना चाहिए अमेरिका में, तो दो प्रॉब्लम उसके सामने आएंगी। पहला, कि कौन से मार्केट में उसको घुसना चाहिए, मतलब कौन से प्रोडक्ट को उसको बेचना चाहिए। देखो लिखा हुआ, वन, इन विच मार्केट टू सेलेक्ट, कौन सा मार्केट में आपको जाना है। दूसरा, कि किस तरीके से जाना है। ठीक है ना, इंटरनेशनल मार्केट में घुसने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कि आपने उस कंपनी का शेयर खरीद लिया या ज्वाइंट वेंचर कर लिया, किसी कंपनी के साथ मिलकर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, है ना, या किसी कंपनी को आपने एक्वायर कर लिया या मर्जर कर लिया, है ना। ये नाम तो आपने सुना होगा टेक्निकल टर्म्स है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट नेम्स एंड आई होप यू हैव हर्ड इट बिफोर। तो इस तरीके से चीजें होती हैं जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना चाहते हो किसी और कंट्री में। ठीक है, बोथ दीज डिसीजंस आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर एंड आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल फोर्स। सभी जो डिसीजंस होते हैं ये बहुत ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक होते हैं, डिसीजन लेने के पहले आपको काफी हद तक सोचना पड़ता है, और ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है बाय द एनवायरमेंट। अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वहां पे आप जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हो, फिर वहां की कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हो, तो वहां की कंपनी जो है, जो ऑलरेडी उस बिजनेस में काम कर रही थी, वो क्यों नहीं चल पाई, ये आपको पता करना पड़ेगा। आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, आपको स्वॉट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, आपको अपना स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानना होगा, ताकि आप उस एनवायरमेंट में आप सर्वाइव कर सको। ठीक है, फर्म सेलेक्ट दोज कंट्रीज एज देयर टारगेट मार्केट्स विच हैव सफिशिएंट मार्केट पोटेंशियल। सही बात है, तो फर्म तो भाई उसी कंपनी को चुनेगा ना, उसी कंट्री को चुनेगा जहां पे उसके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे। राइट, तो पोटेंशियल जो मार्केट क्रिएट होगा उसको वो वहीं पे जाने वाला है। मार्केट पोटेंशियल इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एनवायरनमेंट्स प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमिक कंट्रीज। जो मार्केट पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है उस कंट्री के ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक और कल्चरल एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ी फैक्टर्स है जो कि उस कंट्री में आपके बिजनेस को खड़ा करने में हेल्प करेंगी।
demand for fans, demand for fans, for instance, will be more countries which are geographically located in the hot zones and where the per capita income is high enough for the people to afford purchase of fans. यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया कि जो फैंस, अगर आप सपोज आपका बिजनेस जो है वो फैन बनाने का है, तो फैन कोई ऐसा जगह तो नहीं बिकेगा ना आपका जहाँ पे ऑलरेडी एसी चल रहा है, आई मीन जहाँ पे ऑलरेडी ठंड गिर रही है वहां पे तो आपका फैन बिकेगा नहीं। आपका फैन बिकेगा ऐसे जगहों पे जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, 24/7 या फिर 24/365 जो है गर्मी का मौसम थोड़ा रहता है, ठंडी वहाँ बहुत कम पड़ती है, तो उस जगह पे आपके फैंस की बिक्री हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ की क्लाइमेटी कैसी है, वहाँ पे मौसम कैसा है। अगर वहाँ पे जो आपका यू नो क्या बोलो, अगर मौसम नहीं, वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसा है, अगर सपोज वहाँ के लोगों की कमाई ही इतनी ज्यादा नहीं है कि वो फैन को अफोर्ड कर सके, तो क्या उस फैन को वो खरीदेंगे? वो नहीं खरीद पाएंगे, राइट। तो आपको यू नो हर एक चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है आपको लेनी पड़ेगी जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस में बिजनेस करना चाहोगे। बिसाइड्स क्लाइमेट एंड सफिशियंट इनकम, इलेक्ट्रिसिटी शुड बी अवेलेबल टू मेक द फैंस वर्केबल। अब इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी एक फैक्टर है। अगर आप किसी कंट्री में घुस गए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप फैंस बेच रहे हो, तो लोग तो खरीद चाह करके भी नहीं खरीद पाएंगे, खरीद के करेंगे क्या, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो चलाएंगे किस चीज पे, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है। सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट द ऑल फैक्टर्स व्हिच यू नो प्रिवेल इन अ एनवायरनमेंट, ठीक है। वन ऑफ द फर्म्स आइडेंटिफाइज कंट्रीज विद मार्केट पोटेंशियल एंड इट नीड्स टू डिसाइड्स एट दैट मेड should be used entering those markets. वही बात बोली गई है। A wide range of options such as exporting, licensing, franchising, joint venture or setting up wholly owned subsidiaries abroad are available for firms. तो कौन कौन से ऑप्शन है, देखो यहाँ पे बता दिया गया आपको। पहले तो बता दिया गया क्लाइमेटी के बारे में, पहले आपको बता दिया कि किस तरीके से किस मार्केट को आपको चुनना चाहिए। दूसरा बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको उस मार्केट में घुसना है, मतलब कौन कौन से तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। तो आप एक्सपोर्टिंग कर सकते हो, लाइसेंसिंग कर सकते हो, फ्रेंचाइजिंग कर सकते हो, फ्रेंचाइजी आप खोल सकते हो, जॉइंट वेंचर मैंने कहा था, अपना एक कंपनी खोल सकते हो सब्सिडियरी जो कि अब्रॉड में काम करेगी। तो इस तरीके से आप उस मार्केट में घुस सकते हो। फर्म्स एक्चुअल चॉइस ऑफ मार्केट एंट्री मोड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अभी जो एक्चुअल चॉइस आपका किसी भी मार्केट में मार्केट एंट्री करने का, वो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है या इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, exporting is desirable when it is economical to produce in the home country and there are no legal restrictions on the import of given product in the foreign market, theek hai na। to exporting tabhi aasan hoga aapke liye jab aapki country mein kisi cheez ko banana bahut sasta hoga। suppose aap koi cheez bana rahe ho aur jis country mein aap export kar rahe ho wahan pe bhi wo log wahi cheez bana rahe hain, to agar wahan wo log 10 rupaye mein bana rahe hain aur aap agar 12 rupaye mein bana rahe ho, to aapko kya lag raha hai ki aapka samaan wahan bikega? nahi bikega, kyunki wo log 10 rupaye mein bana rahe hain yaar, वो लोग 11-12 रुपए में बेच देंगे, आप 12 रुपए में बना रहे हो, आप 15 रुपए में बेचोगे, तो आपका बिजनेस वैसे भी नहीं चलने वाला। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा बिजनेस जहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कंट्री में बहुत ही कम है और किसी और कंट्री में बहुत ज्यादा है, आप उस चीज को अगर उस कंट्री में भेजोगे, सप्लाई करोगे, तो आपका वो प्रोडक्ट वहाँ अच्छे से बिकेगा, राइट। और यहाँ पे एक चीज और है कि कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। आप बोल दिया कि चलो तुम बना तो रहे हो, लेकिन यहाँ आओगे तो तुमको इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स देने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वापस से उन लोगों के प्रोडक्ट के प्राइस जो कि 10 रुपए अगर बराबर हो गया, तो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं, नेशनलिटी बीच में आ जाएगी, है ना। जैसे इंडिया में हो रहा है, इंडियन लोग जो है चाइनीज चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन करना इतना सस्ता है ना कि वो लोग इंडिया में आकर के इस रेट पे बेचते हैं कि इस रेट में हम यहाँ पे तैयार ही नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट को। हम चाइनीज प्रोडक्ट को चाह करके भी एक तरीके से बैन नहीं कर पा रहे या उसको हटा नहीं पा रहे, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को चीजें सस्ती चाहिए, है ना। इन द केस ऑफ इंपोर्ट बैन्स और एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अ फर्म मे चूज टू सेट अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग सब्सिडियरीज अब्रॉड। अब सपोज आपको बैन आपने कर दिया, आपका इम्पोर्ट आपको बैन कर दिया गया, या आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही एक्सेसिव हो जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या सोचोगे कि चलो भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग इस घर यहाँ पे कर रहा था, मैं मैन्युफैक्चरिंग अब उस वहां पे कर लूंगा, जिससे मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री का वो बच जाएगा, तो आप अपने प्रोडक्ट को कम दामों पर बेच पाओगे। तो वो चीजें आप करने की कोशिश करते हो। बट दिस इज फीजेबल ओनली व्हेन द फॉरेन एनवायरनमेंट आर नॉट अवर्स टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। लेकिन ये चीजें तभी फीजेबल है, तभी पॉसिबल है, तभी यू नो आप इसको धरातल पे ला सकते हो जब फॉरेन गवर्नमेंट जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो आपको सपोर्ट करे, वहां पे कुछ इस तरह का कोई झमेला ना हो, वहां पे कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जो जाकर के आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाए, है ना। वहाँ पे रॉ मटेरियल, लेबर, वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए लोकली, ताकि आप चीजों को वहां पे एक्सपेंड कर सको।
इन कंट्रीज वेयर द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, एक कंट्री ऐसी कंट्रीज जहां पे फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती, द फर्म कैन गो इन द ईदर फॉर लाइसेंसिंग और जॉइंट वेंचर एज दिस एंट्री मोड्स आर पॉलिटिकली लेस ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है ना, तो ऐसी कंट्रीज में जहां पे पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाता एक तरीके से वहां पे सब्सिडियरी सेटअप करने का, तो कंपनी फिर क्या करेगी, या तो लाइसेंसिंग वाले बिजनेस में चली जाएगी, लाइसेंसिंग वाले तरीके में चली जाएगी, या तो जॉइंट वेंचर कर लेगी, क्योंकि ये ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता है। जैसे कि सपोज वोडाफोन बाहर की कंपनी थी, इंडिया में आके इसने इन्वेस्ट करा, बहुत लोगों में अंदर के लोगों के अंदर ना नेशनैलिटी वाली भावना होती है कि भाई हम अपने प्रोडक्ट को अपने देसी ब्रांड से खरीदेंगे, बाहर के लोगों से नहीं खरीदेंगे। तो इस ऐसे में क्या होगा, वोडाफोन को लॉस होने लगा, बाहर की कंट्री कंपनी कोई भी यहाँ आएगी अगर उसका मोनोपोली नहीं है तो लोग उसको नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि नेशनैलिटी चली आती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चली आती है। ठीक है ना, तो जब आप लेकिन जब जॉइंट वेंचर में घुसते हो, उसी कंपनी के साथ मिल करके काम करते हो, फिर लाइसेंसिंग करते हो, तो उस केस में आपका जो तरीका है वो पॉलिटिकली लेस ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकती है, तो आपका ठीक ठाक चल जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे दो पैराग्राफ और है, मैं इसको और रीड नहीं करने वाला, आई होप कि समझ में आ गया होगा टॉपिक में क्या कहा जा रहा है। आप अगर इस नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी है, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, आपको ये नोट्स बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल जाएंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।